बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह की सब बताएंगे जीवन क्या है. Tell us, what is this life? किसी को याद है हम भारतीय समय के अनुसार कल रात को क्या देख रहे थे? Does anybody remember what were we watching yesterday night according to Indian timing? और यदि आप अपने ओवरसीज की टाइम को लगाओगे तो वो सुबह का समय होगा 4 बजे का. And if you see this according to your Indian timing, it would be morning for you, early morning. मेरे अजीजों, हमने सुना कि प्रभु यीशु मसीहा वे आपको और मुझे लेने के लिए आएगा. Dear friends, we heard that Jesus will come back to take you and us to heaven, to the kingdom of God, where He created the house for you and me, and we are going to live over there forever. Hallelujah. Hallelujah. और हम इस बात को आज सीखेंगे. And today we will learn the thing. जब यीशु आएगा, when Jesus will arrive, तो हमें और आपको किस प्रकार की तैयारियों में रहना चाहिए? With what kind of preparation do we need to be ready with? हमारे भारतवर्ष में एक बात सिखाई जाती है फौजियों को. In our India, the soldiers are trained with जो one thing. हमारे देश के रक्षक है या सुरक्षा देने वाले हैं या भारत को बचाने वाले एक रक्षक है, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है. They say one thing about the guarders and the armed forces of our India. यदि दुश्मन तुम्हारे निशाने पर है तो इस बात को मत भूलना कि तुम भी उनके निशाने पर हो. If the enemy is at your point or at your target, then do not forget that you are also at his target. यानी कि which means हमें इस बात को समझने की जरूरत है. You and me need to understand this thing. सरोज दीदी ने लिखा है कि कल हमने मत्ती की पुस्तक अध्याय 24 के वचन 5 से लेकर 24 तक का प्रचार किया था. थैंक यू दीदी जी. धन्यवाद. बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह की मुझे आशा और भरोसा है कि आप सब लोग परमेश्वर की वाणी को समझ पा रहे होंगे. I hope and believe that you all can understand the word of God. यहाँ परमेश्वर के वचन में जिस प्रकार से यीशु हमें लेने के लिए इस धरती पर आएगा, Here in the Holy Bible, the way Jesus will arrive back to take us, तो फिर हमें भी तो अपनी तैयारी में रहना चाहिए ताकि प्रभु के साथ हम भी उठा लिए जाएं. Then we should also be ready with our preparation that will be taken up with God. यदि हमारी तैयारी नहीं हुई, if our preparation is हम अपनी तैयारी में नहीं रहे, we are not ready, तो यीशु हमें छोड़ जाएगा. Then Jesus will leave us on this earth. हमारे भारत में एक उत्तर भारत में एक बात ऐसे कहते हैं. In North India, they say one thing. आप जल्दी करो, आप जल्दी करो, आप चढ़ो, आप चढ़ो, आप में. Now you do it, you get ready, now you get on. यानी कि गाड़ी चली गई, वो लखनऊ के नवाब सारे वहीं रुक गए. Which means giving them the first position that you do first in this thing, they are left behind. कई बार हम दूसरों की तैयारी के चक्कर में अपने खुद की तैयारी रह जाती है. Many times when we suggest others to get ready, sometimes we are left. यानी कि प्रभु यीशु मसीह आने पर है. Which means Jesus is about to come. अब हमें जाने की तैयारी के लिए हमारे जीवन को कैसे रखना चाहिए? And we, how should we keep our lives? पहला यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3 के वचन 3 में इस प्रकार से कहता है. First John chapter 3 verse 3 we will read. सब लोग कुछ देर के लिए, लगभग 15 मिनट मैं बताऊंगा, 15 मिनट मेरी बेटी ट्रांसलेट करेगी. So everybody for half an hour please do concentrate. आप यकीन करिए, इच्छा तो करती है कि काफी देर तक मैं बताता रहूं परमेश्वर की बातें, लेकिन समय की पाबंदी तो नहीं है, परंतु फेसबुक लाइव की और डाउनलोड की पाबंदियां हैं. Well, I really tell you that I really feel to speak or and tell about these more to you, but the problem is not about the time, but about the uploading system and of the Facebook live. यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है. Hear the word of God. अध्याय 3 के वचन 3 में, पहला यूहन्ना की पुस्तक में. First John chapter 3 verse 3. और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है. अब इस बात को ध्यान पूर्वक सुनने की कोशिश करें. Now try to listen this carefully. यानी कि which means आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया. You accepted Jesus as your savior. आप किसी भी एक चर्च के मेंबर बन गए. You became a church member. ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी शिक्षा है कि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी से जुड़ के रहे ताकि परमेश्वर जब आएगा तो आप उनके साथ उठा लिए जाएं. Now this is really good thing that you be connected with somebody that you will be taken up with God one day. मेरे अजीजो, यानी कि जिस प्रकार से तुम्हारा बुलाने वाला या तुम्हें लेने के लिए आने वाला पवित्र है, the way
You're the one who called you is holy. The one who is to arrive to take you back is holy. तुम्हें लेने के लिए जो आने वाला है, वो पहली बात पवित्र परमेश्वर है. The one who is going to come and take you up in the heaven is holy. The first thing. तो फिर हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? Then how should our life be? हमारी बातें कैसी होनी चाहिए? How should our words be? हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? How should our conduct be? कई बार हम लोग Many times we people, 1.5 किलो के बाइबल को हाथ में लेते हैं, लेकिन उसकी शिक्षाओं को मन में रखने का इच्छा नहीं रखते. Many times we keep this Bible in our hands instead of keeping these words in our hearts. यानी कि यहाँ प्रभु कहता है, which means the word of God और जो कोई भी उस पर यानी कि यीशु पर आशा रखता है, वे अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है जैसे यीशु मसीहा है पवित्र. And everyone who has this hope in him purifies himself just as he is pure. यानी कि यीशु मसीह which means Jesus एक दिन Christ, में एक साल में एक महीने में नहीं आएगा. He will not come in one day, one year, one week or one वो 24 दिसंबर को या 25 दिसंबर को या जनवरी 1 को नहीं आएगा. Now he is not going to arrive on 25th December or 1st December. अपने समय पर अपनी इच्छा से आएगा. He will come at his own time, at his own day. कभी समय रहा तो उसके चिन्ह के बारे में भी बताऊंगा कि क्या-क्या चिन्ह होंगे उसके आने के समय. Well, if there is a time, I will like to tell you about the signs. What will be the signs? He'll come इस समय हमें देखना है कि यीशु मसीह आने पर है तो हम अपने जीवन को कैसे रखें. Now we have to see that when Jesus is about to come, then how should our life be? वचन 4 में. Verse 4. जो पाप करता है, वे व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है. तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हरा ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं. जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता है, और जो कोई पाप करता है उसने ना तो उस परमेश्वर को कभी देखा, ना उसे सुना और ना उसे समझ पाता है. पढ़ने के लिए कहा है 14 वचन. Whoever commits a sin also commits a lawlessness, and sin is lawlessness. And you know that he was manifested to take away our sins, and in him there is no sin. Whoever abides in him does not sin. Whoever sins has neither seen him nor known him. यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं बाइबल पढ़ता हूँ, says that I read the Bible, और दूसरे से चुगलखोरी करें, and starts blaming others to someone, यदि कोई व्यक्ति आपसे कहे, if someone says to मैं you, worship leader हूँ, I'm a worship leader, और दूसरे की बुराई करें, and then he says bad about somebody else, कोई व्यक्ति ये कहे, if somebody says I'm the pastor, मैं एक पादरी, I'm doing God's ministry, मैं प्रभु की सेवकाई करता हूँ, but I'm saying sometimes lie, लेकिन मैं कभी कभी झूठ बोल देता हूँ, really you listen to me, तो फिर आप सच में सुनिए, that means इसका मतलब are not obeying to the God. He never know to the God who is that. वो ना तो परमेश्वर के वचन को कभी पढ़ा है और ना वो जानता है कि प्रभु है कौन. मैं भी कॉपीराइट लाइफ है many things. क्या पता कॉपीराइट की लाइफ में बहुत कुछ होता है. But whenever you believe to the Lord, you must obey to the Lord. Be clean means blameless life. यानी कि यदि तुम ये कहते हो कि मैं परमेश्वर को मानता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, तो ये जरूरी है, अवश्य है कि हम पाप ना करें, अपने आप को सिद्ध बनाएं. यानी कि जो व्यक्ति पाप करता है वो व्यक्ति परमेश्वर को ना तो देखा है ना ही वो देख सकता है. The one who sins has never seen God, neither he will see. यानी आप इंडियन हो सकते हो, ओवरसीज के लोग हो सकते हैं. Now you could be Indian or any foreigner. आप पादरी हो सकते हैं, विश्वासी हो सकते हैं. You could be pastor, you could be believer. आप आर्च बिशप हो सकते हैं, या कोई भी और पद के बड़े आप परमेश्वर के दास दासी पवित्र लोग हो सकते हैं. You could be archbishop or any other positioned servants of God. छठवें पद में कहता है. Here sixth verse it says. जी. जो कोई इसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता. देखिए, जो कोई भी प्रभु की शिक्षा में बना रहता है. Now see, whoever abides in him, मेरे दोस्तों, my dear friends, हो सकता है आपकी उम्र मुझसे बड़ी है. Maybe you are older than me. यदि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो मुझे माफ करना. If I'm saying something wrong, then forgive me. हो सकता है आप मेरे से छोटे होंगे. Maybe you are younger than me. हो सकता है मेरी बातें आपको बुरी लग रही है. Maybe my words, इसके लिए भी मैं माफी चाहता हूँ. Then I'm sorry for this. लेकिन याद रखे, remember, हम इस दुनिया में कोई अवार्ड पाने के लिए मेहनत नहीं कर रहे. Now we are not doing the hard work to get any reward in this.
और मुझे वापस उस स्वर्गीय राज्य में जाना है. यू एंड मी नीड टू गो बैक टू द किंगडम ऑफ हेवन. जिसने हमें बनाया और बुलाया है. द वन हू कॉल्ड एंड क्रिएटेड अस. वो ये कहता है, he says, जो कोई परमेश्वर की शिक्षा में रहता है वो पाप नहीं करता है. Those who ever abides in him never sins. Means, मतलब, if you are reading word of God, यदि आप बाइबल पढ़ते हैं, if you are preaching word of God, यदि आप प्रचार करते हैं, if you are listening to the word of God, यदि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, you are away from the sin. तब मतलब आप पाप से दूर हैं, बचे हुए हैं. If you are telling to the lie some kind of the things any time, maybe many time. और यदि आप किसी प्रकार का झूठ कभी भी अभी भी बोलते हैं, That means you are not in the Lord. इसका मतलब आप प्रभु में नहीं हैं. You are away from the Lord. आप परमेश्वर से काफी दूर हैं. That means इसका मतलब आप विश्वास तो कर रहे हैं, You are believing, पालन नहीं कर रहे, but you're not abiding. यहाँ कहता है, It says, जो प्रभु के वचन में बना रहता है, whoever abides in him, वो झूठ नहीं बोलता, does not lie. वे एक दूसरे की चुगली नहीं करता, he doesn't say bad about anybody else. एक दूसरे को गिराने की बात He never talks about pushing somebody एक दूसरे से बड़ा बनने की कोशिश नहीं करता. He never tries to become greater than somebody. वे व्यक्ति अपने आप को तैयार करता है, prepares himself, और दूसरों को भी तैयारी के लिए हाथ जोड़ के कहता भी है. And then he joins his hand and requests somebody आज सातवें पद में पढ़ेंगे साथ में. Seventh verse when we read, हे भालको, किसी के घरवाने में मत आना. जो धर्म का काम करता है वही उसके सम्मान धर्मी है. जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है. Are you understand to this word? आप क्या इसको समझते हैं? आठवें पद को समझ पा रहे हैं आप लोग? Eighth one, जो पाप करता है, He who sins, जो झूठ बोलता है, He who lies, जो चुगलखोरी करता He है, who says bad about एक someone, दूसरे को गिराने की बात करता He है, who talks about dominating वे मसीह व्यक्ति नहीं है, He is not the Christian, वे शैतान की ओर से है, He is of the devil, वो झूठ की ओर से है, He is from the liar, वे पाप की ओर से He है, is from the sin, वे परमेश्वर के विरोध में है, He is against वे God, स्वर्ग से अलग है, He is away from वे यीशु को नहीं, He not to the God, वे शैतान को महिमा देना चाहता है. They want to glorify the Satan. समझ पा रहे मेरी Are you getting my point? मेरी बात समझ पा रहे Are you understanding? इस बात को याद रखें. You have to remember. जब आप प्रभु में हैं. When you are in Christ. या फिर भी झूठ में. And if you still lie. फिर भी पाप में. फिर भी फरेब में. Still in the cheating. यदि आप जिंदगी बिता रहे हो. If you spend these lives. तो आप प्रभु से अलग हो रहे हैं मेरे भाई. Then you are departing from God. मेरी बहन आप परमेश्वर के विपरीत में हैं फिर. My dear brethren, you are against God. यीशु किसे लेने के लिए आएगा? So who will God come to take? जो धर्म के काम करे. The one who does the righteousness. जो पवित्र जिंदगी जिए. The one who lives holy life. जो सच्चाई की जिंदगी जिए. The one who lives a truth life. बाइबल को पढ़ना नहीं. Not only reading it. उसको अपने दिल में उतारना चाहिए. But also keeping it in the heart. यहाँ क्या कहता है? It says, जो पाप करता है, वे शैतान की ओर से है, is of the devil, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता हुआ आया है. For the devil has sinned from the beginning. वचन 9 से पढ़ेंगे. 9th we will read. जी. जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है. और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है. मेरी बात समझ पा रहे हैं? Are you getting my point? यानी कि जो प्रभु की ओर से है, Which means those who are from God, जो यीशु की ओर से है, those who are from Jesus, वे जिसने पाप से मन फिराया है, those who are repented from जिसने their sins, गुनाहों से मन फिराया those है, are repented from जिसने sins, पाप की जिंदगी को त्याग दिया those है, who are left their sinning life, वे दोबारा उसमें नहीं जाता. Then he doesn't return back to वे दोबारा उसी पाप के अंदर जीवन को व्यतीत नहीं करता. Then that person never spends his life बहुत से लोगों again की जिंदगियां many people's life दिखने के लिए पवित्र है. It looks holy. और दिखने के लिए तो सच में प्रभु में है. It looks really like in God. लेकिन वास्तविकता में But the reality, नहीं होता है. It is not like that. हमें अपने आप को आईने के सामने खड़ा करके इस बात को पूछना चाहिए. We need to stand in front of mirror and we need to ask सच में हम इतने ही पवित्र हैं जितने हम दिखने की कोशिश भी कर रहे हैं. Are we really that holy that we're trying to see? I mean, हम किसको दिखाना चाहते हैं? To whom are we trying to show? इंसानों को? The humans? या ईश्वर को? Or the God? हम इस धरती के हैं? Are we of this या world? या उस आसमान के हैं? Or of the heaven? मेरे दोस्तों, my dear friends, दूसरों को दिखाने के लिए, to show someone, अपने आप को तुम पवित्र दिखाने की कोशिश मत करिए. Now, do not
Try to show yourself holy. ये तैयारी के दिन है. These are the preparing days. प्रभु आने पर है. God is about to come. आपने वचन पढ़ा है. प्रार्थना किया है. You prayed. और प्रभु के साथ जीवन को व्यतीत कर रहे हैं. And you are spending your life with God. आप अपने जीवन को So you, your life. प्रतिदिन. Day by day. ईंट पर ईंट रखकर जिस प्रकार से दीवार को बना देते हैं. The way stone is laid over the stone and the wall is made. उसी प्रकार से अपनी आत्मिक जीवन की दीवार को बनाते हुए जाओ. In the same way you keep preparing your spiritual life. दिन प्रतिदिन बढ़ते जाने की जरूरत है. Need to be growing day by day. नीचे नहीं गिरना रे साहब. Need not to fall down. नीचे गिरते हैं. Many people fall down. यदि आप फिर भी पाप कर रहे हो, still sinning. फिर भी अपराध कर रहे हो, still sinning. तो कहीं ना कहीं आपके जीवन के लिए एक प्रश्न है. Then there is a question to your life. या आप किसकी ओर से हैं फिर? Then from whom are you? बाइबल पढ़ते हुए भी, you're reading Bible, चर्च में जाते हुए भी, आराधना करते हुए भी, आप झूठ में जिंदगी बिता रहे हैं, आप पाप में जिंदगी बिता रहे हैं. Spending your life in lies, तो आप कहीं ना कहीं परमेश्वर के विपरीत में हैं. Somewhere you are against God. इसलिए हमें अपने आप को सही करने के दिन हैं ये. That is why these are the days to correct परमेश्वर ourselves. ने हमें मौका दिया है. God gave us opportunity. कि प्रभु के साथ में अपने आप को सही करें. That we need to make ourselves correct आप with God. सोचो. You think. कल आपकी मौत हो जाए. Tomorrow you will die. किसका हो जाएगा जिसके लिए तुम कमा रहे हो? Then whose money it will become? For which you're working hard. कल आपकी मौत हो जाए. Tomorrow suppose you आपने जो झूठ फरेब इधर उधर की बातें करके जो इकट्ठा कर रहे हो वो किसे दे जाओगे? Now the thing, the money, the riches you're collecting from here and there, speaking lies to others. क्या आपको पता है? To whom will it go? You know? जिसके लिए आप कमा रहे हो. For when you're earning. क्या वो आपके साथ में रहेगा? Will it going to? I mean, is it going to be with you? सपोपदेश की पुस्तक कहता है. Book of Ecclesiastes it says. एक बड़ी मेहनत करके कमाता है. One person, I mean, earned with really hard. पसीने से कमाता है. He earned with labor. जिंदगी भर प्रयास करता he है. He worked the entire life. और मर जाता है. And he dies. वो आता है जो उसका वंशज कहलाकर. Now there comes his generation. वो मेरा दादा था. He's like he's my forefather. वो मेरा बाप था. He was my father. वो मेरा रिश्तेदार था. He was my relative. इसे पता भी नहीं है कि आने वाली पीढ़ी में कौन सा व्यक्ति आ रहा है. He is the person who collected doesn't even know who is going to come in his generation. जो परिश्रम आपने किया, the hard work which you did, जो झूठ आपने बोला, the lies which you said, उसके कमाई को वो खाता रहेगा. Now he will keep eating that. इसीलिए so, जो तुम्हारे पास में है what is with उसी you, में सच्चे बने रहो. Be honest in that. और प्रभु की तरफ देखते रहो. And focus on God. यहाँ इसलिए कहता है पवित्रता में बने रहो. Be in holiness. यदि झूठ कह रहे हो, if you're lying, चुगली कर रहे हो, एक दूसरे की बुराई कर रहे हो, तो याद रखो कहीं ना कहीं फिर आप उस बी पॉजिटिव में आ जाओगे. फिर then you will be in B positive. यानी कि ए पॉजिटिव में नहीं आओगे. You'll not be in A positive. पवित्रता के अंदर नहीं आओगे. फिर आप अपवित्रता के अंदर गिने जाओगे. You will be counted in unholy. यदि आज तक यदि ऐसी बातें आपके जीवन में पाई गई है तो and until today if you find such things in your life, मैं प्रभु का सेवक होने के नाते आपसे निवेदन करूंगा. Then I request to you being a servant of God. आज से उन बुराई की जिंदगियों को त्याग दीजिए. From today you got to leave those sins. और आप उस चीजों को छोड़ दीजिए. You leave them. नहीं तो यीशु के साथ आप नहीं जा पाओगे. Or else you cannot go with Jesus. उस स्वर्ग में आप नहीं जा पाओगे. You cannot go with that. उस जन्नत में आप नहीं जा पाओगे. You cannot go to the kingdom of God. उस कैलाश यानी कि ईश्वरीय लोक में नहीं जा पाओगे. You cannot go to that heavenly kingdom. जिसके पास जिसके जाने की आशा में आपने और हमने विश्वास किया. About, I mean, for what we kept our hope. पहली बात, first thing, हमें पवित्र बनना है. We need to be holy. दूसरी बात, second thing, पढ़ेंगे हम लोग. We'll read. लूका रचित शुभ समाचार की पुस्तक अध्याय 21 का वचन 36 में. Luke 21 verse 36. पढ़ेंगे हम लोग. इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो. मेरे दोस्तों, My dear friends, मेरे परमेश्वर के लोगों, My dear people of God, प्रभु यीशु मसीह कहता है, Jesus Christ says, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, I want to say to तुम you, जागते रहो. Watch therefore, जागते रहने का मतलब
being watchful means, कोई पाप तो मुझसे नहीं हुआ, am I not sinning? कोई अपराध तो मुझसे नहीं हुआ, didn't I sin? कोई गलत बात तो मैं नहीं कह रहा, am I not, कोई गलत शिक्षा तो मैं नहीं दे रहा, अपनी बढ़ाई के लिए मैं कुछ कर तो नहीं रहा, am I doing something for my reward? अपनी तारीफ के चक्कर में तो मैं कुछ नहीं कर रहा, am I not doing something for my own अपने praise? नाम के झंडे गाड़ने के लिए तो मैं कुछ नहीं कर रहा, am I not doing something to get my banner? हमें जागने की जरूरत है. फिर क्या करना है? प्रार्थना करने की. प्रभु मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मुझसे कोई गुनाह ना हो जाए, मैं अपनी बढ़ाई के लिए कुछ ना करूं, अपनी तारीफ के लिए कुछ ना करूं, मैं कुछ करूं If I do something, तो तेरी महिमा के लिए कर सकूं, then let me do it for तेरे your राज्य के लिए then कुछ let me कर do सकूं, it for kingdom. तेरे लोगों के लिए कुछ कर सकूं, let me do it for your people. ये अंतिम दिनों में है. These are the ending days. यीशु जब आने पर है, Jesus is about to आप go, जब जाने पर है, when you are about to go तो अपने जीवन को सही करने की जरूरत है. Then it is important for you and me to correct our lives. It says, जागते रहो, be watchful, प्रार्थना में लगे रहो, be in prayer always. पवित्र बाइबल में in the Holy Bible. आयुब नाम का धर्मी व्यक्ति था. बाइबल में परमेश्वर कहता है, स्वयं यीशु कहता है, शैतान तू क्या जानता है मेरे दास आयुब के विषय में? Do you know about my servant Job? क्या आप जानते हैं मेरे दास आयुब के विषय में? Do you know about my son? I mean servant Job. प्रार्थना वाला है. He is prayerful. आराधना वाला है. He is worshipful. वचनकार है. He is the भजनकार है. He is a One who sings, मेरी उपस्थिति में चलने वाला, the one who walks in my presence. जब परमेश्वर को मालूम है कि आयुब धर्मी है, when God knows that Job is righteous, लेकिन आयुब क्या करता था? Then what are Job's वो सुबह उठकर, he used to wake up, he will be early morning wake up. वो सुबह सवेरे उठकर, he will be worshiping to God. वो परमेश्वर से आराधना, वे बलिदान चढ़ाया करता, he used to sacrifice. वे उसकी आराधना में बैठ जाया करता, he used to sit in his praise and worship. कारण क्या है? What was the reason? उसे डर लगता था. He has to fear. He used to fear. कहीं मेरे बच्चों ने कोई गलती तो नहीं की, somewhere didn't my sons did something, मेरे नौकरों ने कोई गलती तो नहीं की, didn't my servants did something, मेरी पत्नी ने कोई गलती तो नहीं की, didn't my wife did, मेरे बच्चों से कोई गलत काम तो नहीं हुआ, my sons did, मेरे जीवन से कोई गलती तो नहीं हुई, or in my life didn't I do something, वो हर दिन every day परमेश्वर की उपस्थिति में जाया करता, he used to go to the presence of God, अपने आप को चेक करने के लिए, he used to check himself, परिवार के जीवन को चेक करने के लिए, to check the family's life. God, कोई पाप तो मुझसे नहीं हुआ, didn't I sin? मेरे बच्चों से तो नहीं हुआ, not with my मेरे son, काम वालों से तो नहीं हुआ, servants, मेरे चाल से तो नहीं not हुआ, with my conductor, प्रार्थना में in prayer, परमेश्वर के सामने in front of God, ये व्यक्ति लगा रहता था. This person used to मेरे अजीजों, यीशु जब आने पर है और आप जाने की तैयारियों में हैं, तो आपको तैयारी करने की जरूरत है परमेश्वर की उपस्थिति में. You need to prepare yourself in the presence of God. पढ़ेंगे हम तीसरी बात में, let us read it. तीसरी बात में उसी के अंदर पढ़ेंगे, लूका की पुस्तक अध्याय 19 के वचन 47-48 में. लूक 19:47-48. जी, वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था, और प्रधान याजकों और शास्त्री और लोगों के प्रमुख उसे नष्ट करने का अवसर ढूंढते थे, परंतु कोई उपाय ना निकाल सके कि यह किस प्रकार करें, क्योंकि वह लोग बड़ी चाह से उसकी सुनते थे. यीशु मसीहा हर दिन प्रचार करते थे, Jesus used to preach every day. हर दिन लोगों के बीच में रहते थे, used to be in between God every day. हर दिन वो समाज के बीच में रहते थे, he used to be with the society every day. लेकिन वो but he blameless थे, he was blameless. यानी कि which means वो निष्कलंक थे, he was without any वो sin. वो निर्दोष थे, he was blameless. आपको और मुझे भी, you and me also, कोई ये ना कहे, let nobody say, उसने मेरी चुगली की, he said wrong, उसने about तेरे me. बारे में बताया, he said about you. मुझे मालूम है, I know. कोई व्यक्ति, let no one, आपकी तरफ उंगली ना उठा let सके, them not point out at you. इसलिए अपने आप को, that is why you, लोगों के बीच में, in front of people, समाज के बीच में, in front of society, परमेश्वर के सामने, in front of God, पवित्र रखे. need to become holy. मेरे दोस्तों, my dear friends, परमेश्वर के वचन के In the word of God, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 10 का वचन 37-38 में पढ़ेंगे. Book of Hebrews, chapter 10, verse 37-38. इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 10 का वचन 37 में इस प्रकार से कहता है, क्योंकि
अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है. For yet a little while. कितना समय रह गया है? How much time? कितना समय रह गया है? How much time? बताइए विकास पासवान साहब, कितना समय रह गया है? Tell how much time is left. विनीता राय जी, कितना समय रह गया है? How much time is left? देवी बहन जी, कितना समय रह गया है? How much time is left? सरोज दीदी जी, कितना समय रह गया है? How much time is left? रोहित विराट जी, कितना समय रह गया है? यानी कि Which means? थोड़ा समय रह गया है. Some time, a little. ज्यादा टाइम नहीं है. Not more time. इसलिए हमें अपने आप को क्या करने की जरूरत है? So what we need to do? यीशु मसीह लोगों के बीच में जाया करते थे. Jesus used to go in midst of people. अपने आप को पवित्र रखा. He kept himself holy. और यहाँ कहता है, and it says, थोड़ा समय बाकी है. A little while is yet. यीशु के आने में, in coming of God, इस धरती से हमें जाने में, and we going back to heaven. यीशु के आने में, in coming of Jesus, आपको और मुझे इस धरती से जाने में, and you and me. From going to इसलिए इस थोड़े से समय में that is why in this some time, प्रभु की ओर देखें, परमेश्वर की ओर देखें, उसकी महिमा की ओर देखें, उसके राज्य की ओर देखें, और उसके साथ हम चलते हैं. पढ़ेंगे हम परमेश्वर के वचन में, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 2 का वचन 3 और 4, हबकुक की पुस्तक अध्याय 2 के वचन 3 और 4 में देखेंगे. हबकुक चैप्टर 2 का वचन 3 और 4 में देखेंगे. कहता है अध्याय 2 का 2 से लेकर 4 तक, यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे समझ से सहज से पढ़े जाए. जी, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है. हाँ. वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, उसमें धोखा ना होगा. यहाँ कहता है इसका समय वेग से आता है. It says, His time will surely come. जो कुछ भी परमेश्वर ने कहा है, Whatever God said, वो समय वेग से आता है. It is going to come वो soon. समय जल्दी आता है. It comes early. इसलिए आपको और मुझे That is why you and प्रभु me, की तरफ में towards God, आलसियों की तरह नहीं, not like lazy, जागरूक जिम्मेदार नागरिक के समान, like the responsible citizens, हमें प्रभु की ओर देखते रहना need to चाहिए. Look at God. वचन 4 में कहता है, हबकुक 2 का 4 में देखो. हबकुक 2:4 it says, पढ़िए, देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा. मेरी बात समझ पा रहे हैं? Are you getting my point? धर्मी व्यक्ति, the just, धर्मी व्यक्ति, the righteous man, विश्वास के कारण, with his faith, वो जिंदा रहेगा. He'll be living.
कोई उसकी मदद करे Someone help him या ना करे or not. उसके घर में कुछ हो If he has something या ना in his house or not. यदि वो धर्मी है If he is holy, प्रभु की तरफ देखता रहेगा then he will be keep watching प्रभु God. है If God is, मैं उसके साथ उठाए जाऊंगा yes, I will be taken up मैं with him. उसके साथ चला जाऊंगा I will go back with him. वो मेरा परमेश्वर he is my God. है यानी कि Which means, अब पहली बात पवित्रता में जीवन को व्यतीत करना है spending your life दूसरी बात Second प्रार्थना में जीवन को व्यतीत करना With the prayer you gotta spend your life. तीसरी बात Third thing, विश्वास में जीवन को व्यतीत करना In belief you gotta spend your life. मेरी बात समझ पा रहे हैं Are you getting my point? घर में खाना नहीं है Home you do not have food. झूठ बोल देंगे We'll lie. ओ, काम नहीं बन पा रहा है Our work is not successful. झूठी कहानी रच देंगे We'll make something wrong घर में पैसों की जरूरत है We need money in the house. ओ, अलग अलग बातें कह देंगे All right, they say different नहीं things. मेरे अजीजो no, my dear friends. आपके पास में हो या ना you have it or not, आपका जीवन your life सच्चाई में होना है should be in truth. सच्चाई का मतलब विश्वास योग्यता need to be faithfulness. हर परिस्थिति में प्रभु की तरफ देखना Every situation focusing on God. यहाँ कहता है It says, उसका मन फूला हुआ है His heart was lifted वो अपने up. जीवन में घमंड लाया है He got proud in लेकिन his heart. तुम लोग By you people, आप लोग you got, विश्वास you people, के आधार पर जीना according to faith क्योंकि he got धर्मी lived. जन Because the just विश्वास से जीवन को व्यतीत करेगा lives his life by his faith. पढ़ेंगे हम लोग परमेश्वर के वचन में Let us read. इब्रानियों की पुस्तक में Hebrews, सॉरी गलतियों की पुस्तक में 3:11 में पढ़ेंगे Galatians 3:11 गलातियों के पुस्तक अध्याय 3:11 पद में Galatians chapter 3 verse 11 जी पर यह बात प्रकट है कि यह बात सबको पता चल चुकी है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा सब बताए क्या हो जाएगा Tell what will happen. सब बताए क्या हो Tell जाएगा what will happen. मेरे परमेश्वर के दास और दासियों My dear people of God, परमेश्वर के सेवक और सेविकाएं और परमेश्वर के अति श्रेष्ठ पवित्र लोगों and the holy chosen people आपका of विश्वास यदि प्रभु में है If your faith is in God, आप अपने विश्वास के आधार पर जीवन को व्यतीत करिएगा you spend your life according झूठी बढ़ाई के लिए not for the false praise, या दुनिया को दिखाने के लिए or to show people, ऐसा कुछ मत करिए not do such things, नहीं तो स्वर्गीय पिता की ओर से or else from heavenly father, आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकोगे इसलिए इस बात को याद रखें प्रभु मुझे देख रहा है और मैं प्रभु के साथ चला जाऊंगा इसलिए मुझे विश्वास में स्थिर होना है हर परिस्थिति में परमेश्वर की ओर मुझे देखना है देखेंगे हम परमेश्वर के वचन में ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है Important thing, जो मैं आप चौथी बात बताने जा रहा हूँ पढ़ेंगे हम लोग इब्रानियों के पुस्तक अध्याय 10 के वचन 25 के अंदर Book of Hebrews, chapter 10, no, verse 25. 10 के 25 में इस प्रकार से लिखता है कि और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े हाँ जैसे कि कितनी की रीति है हाँ पर एक दूसरे को समझाते रहे और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों तो भी अधिक यह किया करो मेरी बात समझने की कोशिश करें Try to understand my word. क्या कह रहा परमेश्वर का वचन अंग्रेजी में पढ़े Not forsaking the assembling of ourselves together, as in the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. मेरी बात समझ रहे हैं Are you getting my point? यहाँ प्रभु का वचन कहता है Here the word of God says, जब जब भी यानी कि जो जो प्रभु का दिन पास में आते देखे तो When you see the days approaching, आपस में इकट्ठा होना ना छोड़े Now do not leave exhorting with together, आपस में इकट्ठा होने का समय Now assembling together, इसका अर्थ है it means, रविवार को प्रार्थना में जाना Sunday attending the prayer, कलिश्या में जुड़ना connecting with the आराधना में जुड़ना connecting with लोगों the prayer, के साथ परमेश्वर की भक्ति में आगे बढ़ना gathering in the devotion of God with the people. मेरी बात समझिए Try to understand. इसका मतलब ये नहीं it doesn't mean कि आप सरकार के विपरीत में जाएं. You do against the government. ये जो कोरोना वायरस का समय है This time of coronavirus, इस समय इंसानों की जिंदगी बचाने के लिए
to save the people's life. सरकारों ने बहुत अच्छा फैसला लिया है. So the government has taken a good decision. कि आप अपने अपने घर में बैठो. That you sit in your home. और उस महान परमेश्वर की दया से. And with the grace of great God. परमेश्वर ने सोशल मीडिया को बनवाया. God made this social media. ताकि उनके घर घर में परमेश्वर का वचन पहुंचे. That to every house the gospel will be reached. मेरी बात समझ पा रहे हैं? Are you getting my point? यानी कि. Which means. हमें इस लॉकडाउन के समय अपने घरों में रहकर प्रार्थना करना है. जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, हम इस वायरस से जीत जाएंगे. उस समय आप जिस प्रकार से अपने अपने कलीसियाओं में प्रार्थना में इकट्ठा होते थे, आप अपनी अपनी सभाओं में फिर से जुड़ जाएं. Again, connect together. मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेरे अजीजों, भरमाए मत जाना. Do not be deceived. इस सोशल मीडिया में बहुत से पादरी लोग भी हैं. In the social media, बहुत से विश्वासी लोग भी हैं. There are many believers. बहुत से भविष्यवक्ता भी हैं. Many prophets also. बहुत से चंगाई करने वाले लोग भी हैं. Many healers as well. बहुत से प्रकार के लोग हैं. There are many people. आपको जो अच्छा लगता है, whatever you seem is right, वो चीजें आप लेना. You take those. और आप उन्हें अपने जीवन में इस्तेमाल करना. And you use it in your life. लॉकडाउन के बाद में, after the lockdown, जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, everything will be finished. इकट्ठे होना ना छोड़ें. Do not leave the gathering together. यहाँ पर कहता है, it says, परमेश्वर के वचन में, the Holy जो जो उस दिन को पास आते नजदीक आते देखे तो वो इकट्ठा होना ना छोड़ें. Not forsaking the assembling of ourselves together, the more as you see the day approaching. मेरे अजीजों, my dear friends, पत्रस जब जेल में था, when Peter was in jail, उस समय at that time, पूरी कलीसिया इकट्ठी होकर, the entire church gathering, वे पत्रस के लिए प्रार्थना कर रहे थे. They prayed for Peter. इसलिए परमेश्वर ने that God, जेल में से पत्रस को निकाल कर लाया. इस प्रकार से बाइबल का इतिहास कहता है. That is why the history says that God brought Peter out from the prison. कलीसिया एकत्रित रहती थी. The churches used to be together. यानी कि चर्चों को तोड़ना नहीं है. Which means you need not to break the churches. चर्चेस को बढ़ाने की जरूरत है. We need to increase and grow the churches. सेवकाई को अलग करने की जरूरत नहीं है. उसको बनाकर बड़ा करने की जरूरत है. परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे उस दिन को आते हुए देखो, तुम इकट्ठे हो जाओ. इकट्ठे क्यों होना है? एक दूसरे के आत्मा की उन्नति के लिए, फॉर एग्जॉर्टिंग ईच अदर, एक दूसरे की प्रार्थना के जीवन को बढ़ाने के लिए, टू स्ट्रेंथन ईच अदर्स प्रेयर लाइफ, कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, फॉर द growth of the church. इसलिए हमें एकत्रित होना चाहिए. That is why we need to. लेकिन इस समय नहीं जी. But not now. जब लॉकडाउन चल रहा है. Because the lockdown is. जिस देश में आप रहते हैं, उस देश की सरकार की बात के अनुसार आप अपने जीवन को व्यतीत करें. The country you live, you try to spend your life according to the rules of your government. इब्रानियों की पुस्तक में, इब्रानियों के पुस्तक अध्याय 38 में देखेंगे. Book of Hebrews chapter 38. इब्रानियों की पुस्तक 10 के वचन 37 में पढ़ेंगे. 37 में 10:37 we will read Hebrews. क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा. पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा. ये बात हर एक उन सेवक लोगों के लिए, हर वो हो परमेश्वर की सेवकाई करने वालों के लिए, हर वो व्यक्ति जो चर्च में अपने आप को एल्डर कहते हैं, हर वो व्यक्ति अपने आप को चर्च में लीडर कहते हैं, हर वो व्यक्ति चर्च में अपने आप को सेवक कहते हैं, उन सब के लिए ये बात आती है. Now this is for everyone, those who say that they are the leader of the church, pastors of the church, evangelists of the church, and say that I read the Bible. वो क्या कहता है? What it says. यानी कि समय का आना निकट है और आने वाला आएगा. The kingdom is hand and the one who is going to come, he will come. या 38 में अलग प्रकार से कहता है. But in 38 it says different. पर मेरा धर्मी दास, but my just, विश्वास से जीवित रहेगा, shall live by faith. और यदि वो, but if anyone, पीछे हट जाए, draws back, इसका मतलब, it means, बहुत से लोग पीछे हटने वाले भी होंगे. Many will be there who will draw back. बहुत से लोग पीछे हट भी जाएंगे. Many will turn back. खाना है, हालेलुया. You have food, hallelujah. पानी है, praise the Lord.
सपोर्ट हालेलुया सपोर्ट है प्रभु की स्तुति और आमेन यू हैव सपोर्ट गॉड बी प्रेज्ड हालेलुया चर्च में कुछ ऑफरिंग आ रही हो इफ यू गेट सम ऑफरिंग्स कुछ चीजें आ रही हो इफ यू गेट सम थिंग्स पत्नी जी भी कह रही हो इफ यू चलो विश्वास में बढ़ते हैं लेट अस ग्रो इन फेथ लेकिन मेरे अजीजों माय डियर फ्रेंड्स तब भी आपको विश्वास करना है एट दैट टाइम आल्सो यू गॉट अ जब आपके पास में भोजन ना हो व्हेन यू डू नॉट हैव फूड तब भी आपको विश्वास करना है देन यू आल्सो नीड टू जब आपके जेब में पैसा ना हो देन यू डू नॉट हैव मनी इन योर पॉकेट तब भी आपको विश्वास करना है एट दैट मोमेंट आल्सो यू गॉट अ बिलीव जब आपके चर्च के लोग व्हेन योर चर्च आपको छोड़कर चले जाए देन दे लीव यू एंड आपको त्याग कर चले जाए देन दे लीव एंड गो यू आपको कहे Then they'll say, अब इस चर्च में चंगाई नहीं है Now there is no healing अब इस चर्च में भविष्यवाणी नहीं है no अब इस चर्च के अंदर प्रभु की आत्मा नहीं है Now there is no spirit of God अब in इस पादरी के अंदर हमारे लायक बातें नहीं बची है Now there is nothing according to us in this passage. लोग जब छोड़ जाएंगे When people will leave you, तब भी आपको then also you विश्वास में मजबूत होना need to be firm in faith. आपको पीछे नहीं हटना you need not turn back. बहुत से सेवक लोग many pastors सेवाओं को छोड़ देते हैं they leave the churches. चर्चेस को बंद कर देते they close the churches. ओ वो लोग चले गए oh, they went. मैं अपने लोगों से कहता हूँ I say to my people, आप चर्च में आओगे तो जय मसीह की if you come to church, then praise the Lord. नहीं आओगे तो जय मसीह if you'll not come, then also praise ना the Lord. तो तुम्हें देखकर सेवा की I've not started the ministry by looking ना at मैं you. तुम लोगों को देखते सेवा करूंगा Nor I will start the ministry by looking at you people. प्रभु की ओर देखकर सेवा शुरू किया था I started the ministry looking at God. चाहे वो नौकरी करके या प्रचार करके या ड्राइविंग करके प्रभु की सेवा करता ही रहूंगा Let it be by job, let it be by anything, I will be serving God. यानी कि मौत के अलावा मुझे सेवा से अलग कोई चीज चीज नहीं कर सकते Which ये मेरा means, मानना है आई थिंक आई बिलीव दैट इंस्टेड एक्सेप्ट द डेथ इट कैन नॉट सेपरेट मी फ्रॉम द सर्विस ऑफ गॉड हर परिस्थिति में इन एवरी सिचुएशन हर तरीके से इन एवरी टाइम्स इन एवरी प्रभु की महिमा करते रहना you चाहिए to keep praising God. पीछे नहीं हटना चाहिए Need not to turn back, draw back. पीछे Need not to हटना चाहिए पढ़ेंगे हम परमेश्वर के वचन में read. प्रभु के वचन में मत्ती रचित शुभ समाचार के पुस्तक में अध्याय 24 के वचन 44 के अंदर इसलिए तुम भी तैयार रहो इसलिए कि तुम भी तैयार रहो क्योंकि किस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो जिस घड़ी के विषय में तुम लोग जानते पहचानते सोच भी ही नहीं सकते उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा यानी कि यीशु मसीह क्या कर देगा Which means when will he come? जिस समय आप विचार भी नहीं कर सकते The way you cannot even, सोच भी नहीं सकते cannot even expect. हो सकता आपने प्लानिंग बनाया Maybe you have planned. मूवी देखने जाएंगे We go to movie. प्लानिंग बनाया हो You planned. हम हॉलीडेज बनाने के लिए किसी बीच पर जाएंगे We go to the vacation on a beach. आपने सोच रखा होगा You might be thinking, इस बार की छुट्टियों में Today's holiday. हम अपने माता पिता या दोस्तों के घर जाएंगे These holidays will meet our relatives. यीशु का तब भी आ सकता है That moment he can come back. किसी भी घड़ी आ सकता At any hour. कोई भी समय आ सकता Any hour he'll come back. इसलिए That is why. आपको तैयारी में रहने की जरूरत You need to be in preparation. आपको You. जैसे संडे को ही बाइबल पढ़ना है लोग उठा लेते हैं बाइबल The way people carry their Bible only on Sundays to read. हर दिन पढ़ना है Every day you gotta यानी कि हर दिन अपने आत्मिक जीवन को तैयार करना Every है day you gotta prepare क्योंकि your परमेश्वर mind. आने पर है For God is about to पढ़ेंगे arrive. हम लोग Let us read. परमेश्वर के वचन में मत्ती रचित शुभ समाचार की पुस्तक में बुक ऑफ मैथ्यू 25 का वचन 13 के अंदर चैप्टर 25 वर्स 13 जी 25 का 13 इसलिए जागते रहो इसलिए तुम लोग जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को यदि कोई व्यक्ति आपसे कहे If someone says to 2020 में यीशु आएगा 2020 Jesus 2040 में यीशु आएगा 2040 he will arrive. आप ऐसे लोगों की बातों को मत सुनना Now do not listen to these people. जब आना होगा When he has यीशु to arrive, आ जाएगा he will arrive. आप अपने आप को तैयार रखें You make yourself ready. अपने आप को आप तैयार रखें हर घड़ी Now you keep yourself ready every hour. ये आपके ऊपर निर्भर है It depends on you. कि आपने अपनी तैयारी कैसे कर रखी है how you have prepared your preparation. जब हम लोग कभी घूमने के लिए जाते हैं When we go to a vacation or a तो हम लोग क्या करते then हैं what we do? उसके अंदर खाने का सामान We are the eating दिल्ली से 300-350 किलोमीटर में नैनीताल पड़ता है जी
there is Nainital 300 kilometers away from Delhi. वहाँ पर बहुत ठंड रहती है. In India, so it is a cold place. दिल्ली के अंदर बहुत गर्मी जब होती है. There is a lot of hot. I mean, अधिकतर लोग वहाँ चले जाते हैं. Then lot of people go. चाहे शिमला हो, नैनीताल हो, पल्लीताल हो, ये सारे मन्नू महारानी यहाँ चले जाते हैं लोग. So people all go to these mountain places. और कुछ जगहों में बर्फ गिरती है. And at some places it snows. तो लोग वहाँ चले जाते हैं. So people go over there. क्या वो ऐमे ही चले जाते हैं? So they go in vain. वे गर्म कपड़े ले लेते हैं. खाने की चीजें ले लेते हैं, गाड़ी में डीजल ऑयल डाल लेते हैं, ये तमाम चीजों की तैयारी कर लेते हैं. इसी प्रकार से आपका प्रभु स्वर्ग से आने वाला है आपको लेने के लिए. God is going to come back to take you. तो आपको भी तैयारी करने की जरूरत है. You also need to be prepared. मेरी बात समझ रहे हैं? Are you getting my point? ओ, अगले साल जाएंगे ना, कोई चिंता नहीं है. Next year we'll go. ऐसे नहीं. No, not हर like समय आपको तैयार रहना है. Every time you need to be मेरे दोस्तों, my dear friends, अब मैं इसको मैं संक्षिप्त में बताऊं तो Now if I tell this as a conclusion, पहली बात हमने सुना, the first thing we learned, हमें पवित्र जीवन को जीना है. We have to live a holy life. यूहन्ना 3:3. John 3:3. दूसरी बात, प्रार्थना के अनुसार जीवन को व्यतीत करना है. Second thing, spend your life with the prayer. लूका 21:36. Luke 21:36. तीसरी बात, Third thing, विश्वास का जीवन जीना चाहिए. Spending a life of faith. इब्रानियों की पुस्तक 10:37 में. Hebrews 10:37. और 38 में. And also 38. और हम लोग इब्रानी की पुस्तक 10:25 में पढ़ते हैं. If we read Hebrews 10:25, हमें इकट्ठा होना चाहिए. We need to gather together. चर्च में इकट्ठा होना चाहिए. In the church. प्रार्थना में इकट्ठा होना चाहिए. परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना में आगे बढ़ना we चाहिए. We need to move forward with the people of God in prayer. पांचवी बात में. The fifth thing. पांचवी बात में. The fifth thing. हिम्मत नहीं हारनी है. Need not to give up. हिम्मत Need not to नहीं हारनी है. हमने सुना इब्रानी की पुस्तक अध्याय 10:36-37 में. Hebrews 10:36-37. और यदि हम छठवीं बात में आते हैं, मत्ती की पुस्तक 24:44 के अंदर, Matthew 24:44, ये कहता है, it says, तैयार रहे. Need to be ready. क्या रखे हम लोग? What we need to keep? अपनी तैयारी करें. The preparation needs to और be done. यदि हम लोग And if we लास्ट बात में see the last thing, मत्ती की पुस्तक 24:46 के अंदर, Matthew 24:46, it says, वहाँ पर कहता है, it says, आज्ञा पालन में रहे. Need to be in obedience. सातवीं बात में कहता है, Seventh thing it says, आज्ञा पालन में. In obedience. मेरी बात समझ पा रहे हैं? Are you getting my point? ये सारी बातों को मैंने आपके सामने रखा है. All these things I've come वैसे इस बातों को बताने के लिए कम से कम 3 दिन का समय लगता है. Well, to explain these things, it takes around 3 days. समय का अभाव है. But the time is less. आप कोशिश करिए. You try to. आप प्रभु में बढ़ते जाएं. You grow in God. परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष करे. God bless you and your families. इस वचन के अनुसार आपको और आपके परिवार को, आपके चर्चेस को परमेश्वर आशीषित करें. God bless you and your families, your churches through this word. आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे. Let us all close our eyes and we'll pray. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, Almighty God, आप हमें आशीष दें. You bless us. जितने लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं, those who ever are watching this उन program, पर तेरी कृपा कर. Let there be a mercy on इस लॉकडाउन के समय, this lockdown, परमेश्वर पिता, Father God, लोग तेरे साथ जुड़ जाएं, let people join, तेरे वचन में जुड़ जाएं, let them connect with तेरे साथ जुड़ जाएं, let them connect with और अपनी आत्मा को तेरे प्रति Spirits पवित्र रखे. let them keep समाज के अंदर in society, पवित्र रहे. let they be holy. देश के प्रति विश्वास योग्य रहे. let they be honest. कलीसियाओं में इकट्ठे रहे. let they be together, प्रार्थना में in prayer, बढ़ते जाए. let they be growing. आज्ञा पालन में in obedience, स्थिर रहे. let they be firm. विश्वास से in faith, पीछे ना हटने. let them not draw back. आप इन सबको आशीषित कर. हर देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पर, Prime Minister and President, हर देश के डॉक्टर, पुलिस, आर्मी पर, every country's doctor, police, हर देश के धार्मिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर, every country's social and religious leaders, आपकी दया और आपकी आशीष को बनाए. let there be your mercy and kindness on धन्यवाद हो प्रभु. Thank you, Father, आपने हमारी प्रार्थना सुनी. You heard our prayers. यीशु के पवित्र नाम में इस दुआ को मांगते हैं. In the holy name of Jesus, we ask. Amen. Amen. आप सभी को परमेश्वर आशीषित करें. सभी को जय मसीह की. प्रेज द लॉर्ड. और हम लोग 2 बजे के आसपास फिर से मिलेंगे. एंड वी विल मीट अप अगेन एट 2 p.m. और यदि अभी मुझे मालूम है कुछ कंट्रियों में लॉकडाउन हटा दिया गया है. And in some countries, I know the lockdown is no more. और यदि आप किसी कारण मिस हो जाते हैं तो and if some,
because of some reason if you miss aap YouTube में जाकर इन सारी बातों को आप ध्यान से सुनिए पढ़िए you can go to YouTube you can listen you can read और all these things carefully में मुझे और इस आत्मिक आराधना सेवकाई को याद रखिए and you keep this आत्मिक आराधना and us in your सभी को जय मसीह